लिए ट्रेन रवाना दिल्ली से हो चुकी है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के कारण फंसे बिहार के लोगों की घर वापसी के लिए पहली ट्रेन आज रवाना हो गई। इंडियन रेलवे शुक्रवार को बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना करने जा रही है। दोपहर 3 बजे ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है। दिल्ली में लाखों की तादाद में फंसे बिहारियों में से सिर्फ 1200 लोगों को इस ट्रेन से अपने घर वापस लौटने का मौका मिलेगा। उत्तर रेलवे की ओर से गुरुवार की देर रात दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली से बिहार के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है। यह ट्रेन शनिवार को बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। दिल्ली और बिहार सरकार उन लोगों के नाम तय करेगी जो इस ट्रेन से सफर करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से बिहार तक जाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत से ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन दिल्ली से ट्रेनों का परिचालन गुरुवार को ही शुरू हुआ है। गुरुवार को दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। गुरुवार की रात 8 बजे दिल्ली से छतरपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस भेजने की प्रक्रिया पिछले दिनों शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि इसके लिए कई राज्य सरकारों ने बाहर फंसे अपने लोगों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए। ये नोडल अधिकारी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था देख रहे हैं। इसके साथ ही बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.